अंकित और गणेश दो ड्राइवर हैं। अपने खराब प्रदर्शन की वजह से अंकित हमेशा कंपनी बदलता रहता है, जबकि गणेश सकारात्मक रवैया और अच्छी तकनीकी ड्राइविंग कौशल की वजह से प्रसन्ना पर्पल के साथ लंबे समय तक काम कर रहा है। हे गणेश, जहां जहां मुझे नौकरी मिली वहां मैंने जितनी हो सके उतनी पूरी कोशिश की, फिर भी मुझे नौकरियों से बाहर निकाला गया। दोस्त, मुझे ये बताओ, तुमने काम की हुई कंपनियों में कितना मूल्य जोड़ा है? तुमने कुछ मूल्य जोड़ा, मूल्य निर्माण किया? मूल्य निर्माण या जोड़ना क्या मतलब है तुम्हारा? एक ड्राइवर कैसे मूल्य निर्माण कर सकता है? हाँ, मुझे विश्वास है कि जिस पल आप मूल्य निर्माण करते हो या जोड़ते हो, उसी वक्त तुम्हारा काम सर्वोत्कृष्ट होना शुरू होता है। दो तरीके हैं। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर यानी छवि दूत बनकर हम मूल्य निर्माण कर सकते हैं। ग्राहक से अच्छे संपर्क, साथ साथ वाहन ईंधन और वाहन की हिफाजत यानी मेंटेनेंस, इन पर होने वाला पैसा कम से कम है, ये सुनिश्चित करके हम मूल्य निर्माण कर सकते हैं। ये हमारे नियंत्रण में है। ये तो बहुत दिलचस्प है, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? जरूर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वाहन को हमेशा पहले गियर में शुरू करना चाहिए। ईंधन कार्यक्षमता सुनिश्चित करने की ओर ये पहला चरण है। गियर का ईंधन के साथ पारस्परिक संबंध, टैंक से जाने वाली ईंधन की मात्रा प्रतिशत से रहता है। कृपया मुझे बताओ कि कौन से गियर में तुम वाहन शुरू करते हो? आमतौर पर मैं वाहन गियर क्रमांक 2 में शुरू करता हूँ। गियर क्रमांक 1 के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गियर क्रमांक 1 विशेष गियर है जिसका उपयोग सिर्फ उतार और पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। यही है जहाँ तुम्हारी सोच गलत है। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी गियर तकनीक में सुधार की वजह से विशेष गियर जैसा कुछ भी नहीं है। सभी गियर्स को अनुक्रम में लगाया गया है। बस आराम से शुरू करने के लिए हमेशा गियर क्रमांक 1 ही सर्वोत्तम है, क्योंकि गियर क्रमांक 2 की तुलना में टॉर्क की उपलब्धि अधिक है। अधिक टॉर्क अधिक शक्ति देता है और ईंधन का कम इस्तेमाल होता है। जब तुम गियर 2 में गाड़ी शुरू करते हो कम शक्ति उपलब्ध होती है। कम शक्ति की भरपाई करने के लिए तुम्हें गति बढ़ानी यानी अधिक एक्सेलरेट करनी पड़ती है, जिससे ईंधन का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है। तो अगर वाहन गियर क्रमांक 1 के बजाय गियर क्रमांक 2 में शुरू होता है तो ईंधन का इस्तेमाल अधिक मात्रा में होता है। ये माइलेज और अर्थव्यवस्था पर आघात करता है। अब अगर शहर में एक बस दिन में 100 बार ये करती है तो अंत में भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए अगर पर्पल बस 0 से 500 मीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से शुरू होती है तो वो बस गियर क्रमांक 2 की तुलना में गियर क्रमांक 1 में ईंधन का कम इस्तेमाल करेगी। क्या तुम्हें सही आरपीएम यानी प्रति मिनट परिक्रमण और गियर के लिए गति का महत्व मालूम है? इससे क्या फर्क पड़ता है? यात्रियों की आरामदायी यात्रा के लिए और तुम्हारी ईंधन कार्यक्षमता उच्च है ये सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें सही आरपीएम और गियर बदलने के लिए गति बनाई रखी है ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। गियर की रफ्तार और आरपीएम के साथ संबंध ये है। गियर क्रमांक, रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 1 0 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 2 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 3 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 4 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 5 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। गियर क्रमांक 6 50 से आगे। क्लच पर सवारी करना मतलब क्लच राइडिंग के बजाय उसका लगातार उपयोग, ठोस ब्रेकिंग में शामिल न होना और न्यूट्रल में कभी भी गाड़ी मत चलाना। ओ, अभी समझ गया। मैंने मेरे पूरे करियर में ऐसे अनुशासन का कभी पालन नहीं किया है और अभी मैं समझ गया कि तुम तुम्हारे संगठन की बहुमूल्य संपत्ति क्यों हो। तुम सही हो, ये अनुशासन है। मैं चिंतित था कि तुम इन्हें नियम समझ बैठोगे, हालांकि मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तुम अधिक तेज गति से गाड़ी चलाने में शामिल न होना और गाड़ी अचानक एक्सेलरेट नहीं करना, ये सब सुरक्षा और हिफाजत यानी मेंटेनेंस की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। काम शुरू करने से पहले टायर का दबाव यानी प्रेशर की जांच भी तुम्हें करनी चाहिए। टायर का सही दबाव यानी प्रेशर सर्वोत्तम माइलेज
और ईंधन कार्यक्षमता देता है। ध्यान में रखो, 10 PSI कम दबाव से KMPL यानी किलोमीटर प्रति लीटर में 1% गिरावट आती है। अधिक दबाव यानी प्रेशर से भी टायर जल्दी बदलना पड़ता है, इसीलिए टायर का सही प्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं तुम्हें जाने दूं, आइडलिंग मोड पर इंजन के बारे में बताना जरूरी समझता हूं। हमारे बसेस में हम डीजल इस्तेमाल करते हैं और उसका पूरा इस्तेमाल करने के बजाय हम बस आइडलिंग मोड पर रखकर डीजल बर्बाद करते हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि 6,00,000 करोड़ संख्या में कितने शून्य होते हैं? ठीक है, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। 6,00,000 करोड़ में 12 शून्य है। हमारा देश वार्षिक 6,00,000 करोड़ पूंजी विदेश से 80% से अधिक ईंधन आयात करने के लिए खर्च करता है। हमारे बसेस में हम डीजल इस्तेमाल करते हैं और उसका पूरा इस्तेमाल करने के बजाय हम बस आइडलिंग मोड पर रखकर डीजल बर्बाद करते हैं। अगर बस का इंजन एक ट्रिप में 10 मिनट आइडलिंग मोड पर रखा तो 0.5 लीटर ईंधन बर्बाद होता है। लिहाजा वही बस अगर दिन में 10 ट्रिप चलती है तो हम 5 लीटर ईंधन बिना किसी लाभ के बर्बाद करते हैं। अगर यही बस महीने में 25 दिन चलती है तो लिहाजा 125 लीटर ईंधन या मासिक 9,000 रुपये की बर्बादी बिना किसी लाभ के होती है। अगर हम सभी ने मिलकर निश्चय किया कि अगर इंजन आइडलिंग मोड पर है तो हम उसे बंद कर देंगे और अगर ये पूरे कंपनी की और बाद में ये पूरे देश की आदत बन जाएगी तो हम वो करोड़ों कीमती रुपए बचा सकते हैं। याद में रखो, हर बात खुद से शुरू होती है। तुम्हें ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये क्रांतिकारी परिवर्तन है जो हमें अपने कंपनियों में देश में लाना चाहिए। यही कारण है कि हमारे कंपनी में हम ईंधन बचत या KMPL यानी किलोमीटर प्रति लीटर में सुधार पुरस्कार को प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनके नाम हम भगत सिंह पुरस्कार देते हैं। वाह गणेश, तुम एक ड्राइवर हो फिर भी अपने देश के लिए क्या अच्छा है ये सोचते हो। हाँ अंकित, हम ड्राइवर हो सकते हैं लेकिन अगर हम अपने काम में अनुशासित होने के लिए पर्याप्त जागरूक रहेंगे तो हम अपने कंपनी के लिए और अपने देश के लिए बेहतर योगदान दे सकते हैं। हर ग्राहक जिसे हम संतुष्ट करेंगे वो दूसरा ग्राहक जोड़ देगा। शिष्टाचार का हर एक कृत्य, आदर और सेवा जो हम ग्राहक को प्रदान करते हैं, इससे हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा ब्रांड एक सफल और महत्वपूर्ण स्थिति में है। धन्यवाद गणेश, अब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे संगठन के लिए इतनी मूल्यवान संपत्ति क्यों हो। अब मैं अपने संगठन की मूल्यवान संपत्ति बनने के लिए मैं इन अनुशासन का पालन करूंगा। मैं समझ गया कि जब तक हम मूल्य नहीं जोड़ते या निर्माण नहीं करते तब तक हम मूल्यवान नहीं बनते। प्रत्येक ड्राइवर कंपनी का प्रतिनिधि और ब्रांड एम्बेसडर है। विशेष गियर जैसा कुछ भी नहीं है। बस शुरू करने के लिए हमेशा गियर क्रमांक 1 ही सर्वोत्तम है। हमें हमेशा सही RPM और स्पीड पर ध्यान देना चाहिए। सही गियर बदलने के लिए कभी भी तेज गति से गाड़ी ना चलाएं और ओवर एक्सेलरेट ना करें और हर ड्यूटी से पहले टायर प्रेशर या दबाव हमेशा जांच लें। इंजन लंबे समय तक निष्क्रिय मोड पर रखा तो ईंधन की बर्बादी राष्ट्रीय बर्बादी है। इस बारे में हर समय सचेत रहें। याद रखें, एक अच्छा अनुशासित ड्राइवर कंपनी और राष्ट्र को मूल्य जोड़ता है। आपको एक खुशहाल और सुरक्षित ड्राइविंग की कामना करते हैं।